नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे जदयू और बीजेपी के बीच में जारी सियासी घमासान के बारे में। बिहार में सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में सहमत का खेल जारी है। जदयू जहां विशेष राज्य के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है, तो वहीं बीजेपी भी नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को आईना दिखाया, साथ ही साथ नसीहत भी दी है। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार का काफी ध्यान रखती है। संजय जायसवाल ने बाकायदा आंकड़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार जो मदद दे रही है, राज्य सरकार उसे सही से खर्च भी नहीं कर पा रही। उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों को मिलने वाले केंद्र सहयोग की तुलना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि GST के सबसे ज़्यादा फायदे बिहार को हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बांटते हैं, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा होता है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि सैयद शहनवाज हुसैन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। जहां भी संभव हो वहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। उद्योग लगाने वालों को विलेन समझने की मानसिकता बिहार को कहीं ना कहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार 6 वर्षों में ही प्रधानमंत्री के लिए कुछ पैकेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया है, अभी भी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा उदाहरण मेरे लोकसभा क्षेत्र का रक्सौल हवाई अड्डा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 250 करोड़ रुपए मिले हैं, पर बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त जमीन नहीं देने के कारण आज भी यह योजना रुकी हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में भी बिहार को 1,000 करोड़ रुपये मिलते हैं, मगर हमने भूमि उपलब्ध नहीं कराया है। यह कस्बे कहानियों की बात हो जाएगी। इधर बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय ही कहा था कि बीजेपी को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अगर हम अकेले चुनाव लड़ते तो हमारी सरकार बनती। अभी भी स्थिति ये है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनकर बैठे हैं, इसके बाद भी बीजेपी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ऐसे आदमी है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्योंकि दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। छेदी पासवान ने कहा कि पहले भी ऐसा हमने कहा था और अब भी हम ऐसा कह रहे हैं। तो एक तरह से देख लें कि बीजेपी और जदयू के बीच में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार बिहार सरकार के कामों को लेकर आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसके बीच में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में बिहार में विशेष राज्य की मांग की बात जो है वो प्रमुखता से उठ रही है और दोनों के बीच में सियासी ताना बाना बुना जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।